प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने आज इस कंपनी की समीक्षा भी की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी HAL की यूनिट की समीक्षा के दौरान तेजस जेट की भी पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि पीएम मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में उनके विनिर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि कई देशों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और अमेरिकी रक्षा दिग्गज GE एयरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK द्वितीय तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।